मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ जिला सागर के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने पर श्री दिलीप गौड़ मरकाम एवं श्री राहुल गर्ग को सागर जिला सचिव बनाए जाने पर समस्त वन कर्मचारी जिला सागर की ओर से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। प्रांतीय अध्यक्ष निर्मल तिवारी एवं संभागीय अध्यक्ष अनिल लारिया का कोटिशा आभार। सौजन्य से समस्त वन कर्मचारी जिला सागर एवं मित्र मंडली। नमस्कार, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्राची पारसर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। भुरई भारतीय किसान संघ ने अपनी समस्याओं को तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। साथ ही नारेबाजी करते हुए सैकड़ों किसानों ने SDM मनोज कुमार चौरसिया को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों के समर्थन में मंत्री प्रतिनिधि लखन सिंह भी शामिल हुए। भारतीय किसान संघ अध्यक्ष प्रेम नारायण मुरली ने बताया कि 8 सितंबर 21 को 513 जिला केंद्रों पर 9700 से अधिक संख्या में धरना प्रदर्शन किया था। उसी क्रम में लागत आधारित लाभकारी मूल्य के विषय पर जन जागरण करते हुए 11 जनवरी को तहसील केंद्रों पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त अवसर पर SDM मनोज कुमार चौरसिया ने किसान संघ के अध्यक्ष से कहा कि आप लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, इतनी अधिक तादाद में एकत्रित होना कोविड नियमों के विरुद्ध है। मुकेश कौशिक, बुंदेलखंड एक्सप्रेस न्यूज, खुरई। आज हमारे भारतीय किसान संघ की ओर से पूरे प्रदेश में हर जिला, तहसील और ब्लॉक लेवल पे सब जगह भारतीय किसान संघ की ओर से किसान के लागत के हिसाब से मूल मिलने के लिए आज धरना प्रदर्शन और ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से सौंपा जाएगा। और हमारी क्षेत्रीय मांगों को लेकर जो किसानों की क्षेत्रीय मांगे हैं, जैसे बीमा है, बीमा कम से कम 3 साल से आज किसान की स्थिति खराब है और खरीफ की फसल लगभग 3 साल से 90% नष्ट हो रही है और 3 वर्ष से एक भी बीमा ना कोई राहत राशि किसान के लिए नहीं मिली है। और ये बीमा की जो स्थिति है कि आज भी कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि जैसे हुई है तो कई क्षेत्र बैठ चुके हैं। तो इन सभी मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से एक ज्ञापन लागत के हिसाब से मूल्यों के लिए और ये क्षेत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा जा रहा है।